टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है देर आफ्टर लॉट ऑफ हैपेंड एंड नाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस एज आई सेड

मैं कह रही थी और था भी तो अधूरा था नाउ यू हैव एन इंस्टीट्यूशनलाइज कैपैसिटी बिल्डिंग पहले इट वॉज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कभी कभी बीच में ट्रेनिंग को कोई ऑफिसर चले जाते थे कोई सीनियर ऑफिसर्स कभी विदेश भी चले जाते थे एक एक साथ नाउ इट्स नॉट लाइक दैट्स नाउ इट्स अवेलेबल टू ऑल ऑफिसर्स एट ऑल आई वुड से इट इज़ नाउ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दी अपडेटिंग एंड ट्रेनिंग इन दर्विसेज अक्रॉस द सर्विसेज पहले डिपार्टमेंट्स वर्कड इन साइलोज दैट इज बीन एलिमिनेटेड मिड कैरियर पहले सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए हुआ करता था नाउ इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल सर्विसेज ऑल ऑफिसर्स एट ऑल लेवल्स सो दैट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा ओनली फ्यू एट द टॉप नाउ इट्स फॉर ऑल एंड ऑफ कोर्स ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब बना है दिस ऑल्सो विल गिव यू द ऑप्शंस आपको छुट्टी लेकर के यू डोंट हैव टू मिस योर ऑफिस और बिकम अन अवेलेबल फ्रॉम योर जॉब बिकॉज इट्स अवेलेबल ऑन योर ऐप इट्स अवेलेबल ऑन योर टैबलेट इज अवेलेबल ऑन योर पी सी यू कैन कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ इवन वाइल ट्रैवलिंग एंड देन यू कैन डू सेल्फ असेसमेंट यू कैन यू नो डिटर्मिन योर स्कोर एंड दिस इज अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस दिव्यांगों के लिए भी उसका अलग से प्रावधान है और कहीं मान लीजिए कि कल ये प्रश्न उठता है कि भारत इतना विशाल देश है कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक हो सकता है कोई भी सिग्नल ना पहुँचता हो तो वी हैव ऑलरेडी पुट अक्रॉस रिक्वेस्ट टू दी आई एंड बी मिनिस्ट्री टू हैव अ कर्मयोगी चैनल थ्रू डी टी एच सो दैट पार्ट आल्सो इज बींग टेकन केयर ऑफ सो आई थिंक दिस इज बीन डन विद लॉर्ड ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग वि रिपीटेड प्रेजेंटेशनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड विद बेसिक इनपुट्स कमिंग फ्राम नॉन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इससे दूसरी तरफ क्या लाभ होगा एक तो आप अधिकारी को होगा जैसे सेक्रेटरी डीओपीटी ने बताया द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज विल आल्सो हैव अ रेडी मेड डाटा अवेलेबल विद देम सपोज आई वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिसर और अ पर्टिकुलर असाइनमेंट देर विल बी नो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नो एक्सट्रीनियस कंस्टिडेश आई कैन जस्ट प्रेस दी माउस पता चलेगा कि कौन स, इस काम के लिए कौन सा प्रोफाइल सबसे ज़्यादा अनुकूल है एंड स्टेट वे यू कैन अपॉइंट द ऑफिसर प्लस रियल टाइम एवेल्युएशन अप्रेजल अपना भी होता रहेगा जैसे हम एनुअल ए पी आर करते हैं नाउ इट्स ऑलरेडी रेडीमेड सो आई थिंक एट द सेम टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिटीजन ऑल्सो इट्स ब्रॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता अकाउंटेबिलिटी जवाब तलबी एंड इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दी टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एन ऑप्टिम एक्सटेंट जो हमारा अनुभव रहा गुजरात का उसमें एक सप्ताह में वी एक्सपोज दीज ट्रेनिंग टू ऑल दी ग्लोबल Experts, beginning the program with the head of the World Bank. And we also engaged universities which are specializing in futuristic trends. So that opportunity will also be available through that platform. I would conclude saying that because I would then like to listen to you. Thank you. Thank you, sir. Uh, friends, we can take questions now. Thank you. There is no question. 52, या सर, चूंकि इस इसपे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है सर, इसलिए मेरा दूसरा सवाल है। <laughs> सवाल नहीं नहीं, दूसरे सवाल का उत्तर नहीं चीन को लेकर सर कई सवाल उठा नहीं देता हूँ। फिर से इनकर्जन की बात हो रही है सर, चीन बॉर्डर पे। नहीं नहीं, इसके डिफेंस का डिफेंस के तरफ से डिफेंस के तरफ से इसके बारे में जानकारी लगातार दी जाती है 78 सेम ओके okay. सर एक सवाल इसको लेकर है कि आपने कहा कि अब हर लेवल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये अवसर उपलब्ध होगा यानी हर समूह के वर्ग के कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग के लिए मिड लेवल पर यह अवसर मिलेगा क्योंकि अभी तक तो ये था कि वरिष्ठ अधिकारी या फिर बड़ी सर्विस जो ऊपर की सर्विस है वो लोग मिड ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाते थे तो थोड़ा वो उस बारे में तो जैसे आपने स्वयं कहा मैंने उसको थोड़ा सा शिष्ट ढंग से कहा कि इट्स ए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस मैं आप जो बात आपकी बात से निकलती है बिटवीन दी लाइन्स के ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ उच्च अधिकारी इस अवसर का फ़ायदा लेते रहेंगे और ये मिड करियर भी सबके लिए रहेगा और ये अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए रहेगी एंड एट ऑल लेवल्स एंड ऑल सर्विसेज पहले ये टू ऐड टू वॉट यू सेट आपकी बात में भी जोड़ देंगे पहले मात्र ऑल इंडिया सर्विसेज तक की ये सीमित था अब ये सभी सर्विसेज में 260 रविंद्र कुमार प्रकाश जी या जितेंद्र साहब जो भी देना चाहें इधर से सर इधर इधर, इधर लेफ्ट साइड जो भी जवाब देना चाहें सर एक तो है कि इसी संबंधित कि इसमें जो परिषद बना है प्रधानमंत्री का अलावा कई मुख्यमंत्रियों को भी रखा गया है उसका पर्पज़ क्या है क्या इस ट्रेनिंग को राज्यों में भी लागू किया जाएगा राज्य के कर्मचारियों को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा और चूंकि पूरा देश एक होगा तो इसी से रिलेटेड आप दोनों से दूसरा सवाल है कि पूरा देश एक एक है और चाहता है कि चीन को पूरा जवाब दिया जाए जो चीन इसको लेकर जो हमने ले लोग एक पॉइंट पर हम पहुंचे हुए हैं और चीन बार बार इंकर्जन करने की कोशिश कर रहा है उसको उस पर प्रकाश जी या जितेंद्र साहब जो भी जवाब देना चाहें दोनों सवालों पर ये ये बड़ा पहले तो मुझे आपकी शैली की सराहना करनी है कि आपने सोचा कि आप चीन बोलेंगे तो सवाल रुक जाएगा तो आप घुमा के आए चीन सो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू लर्न ऑल ऑफ अस कनेक्टेड विद द मीडिया अभी जो पहला प्रश्न दूसरे का मेरे पास मैंडेट नहीं है वो प्रकाश जी उस पर प्रकाश डालेंगे जहाँ तक मेरा पहला है उसमें हमने एक मल्टीटेयर स्ट्रक्चर बनाया है जैसे बताने के प्रयास कर रहे थे हमारे सेक्रेटरी डी साहब पहले यह पी काउंसिल जो एक अम्बरेला काउंसिल रहेगी ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी भी रहे और एक समानता रहे उसमें स्वाभाविक है प्रधानमंत्री उसको हेड करेंगे उसके नीचे मुख्यमंत्री भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री परिषद से भी कुछ मंत्री उसके सदस्य हो सकते हैं इसके अतिरिक्त एक्सपर्ट विशेषज्ञ जो वहाँ पर समझा जाए कि जिनकी आवश्यकता रहेगी इसी प्रकार एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी क्योंकि सारी प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज का समन्वय बनाने के लिए भी क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक रिफॉर्म है और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग काउंसिल जिसमें विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स ग्लोबल एक्सपर्ट्स हर विषय को लेकर के हर विभाग को हर शोबे को लेकर के ताकि एक पूल भी बनाया जाए बिकॉज इसका इसका जो कंटेंट है इस प्लेटफॉर्म uh, का दैट आल्सो विल बी कॉन्स्टेंटली क्यूरेशन जैसे आप तो इट विल बी क्यूरेशन ऑफ कंटेंट ऑल्सो तो अपडेटिंग भी होता रहेगा उसका साथ साथ कीपिंग दी यूनिवर्सल द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन दी माइंड और आपने जैसे कहा कि प्रदेशों को भी ये इसका उपयोग करने का पूरा अधिकार रहेगा और हमारी अपेक्षा भी ऐसी है लगभग सभी समाचार पत्र और लगभग सभी चैनल बहुत विस्तार से सीमा पर हो रही घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं

So as you talked about appraisal under this policy, will that appraisal be also be uh, some kind of component from the fundamental rules? This is simply an upgradation and innovation in the mechanism, and you are using a more technology savvy mechanism. Appraisal or after appraisal, कि मैं देखने में गोरा हूँ के काला हूँ वो वैसा ही रहेगा. सिर्फ ये कि पहले देखने वाले की subjectivity हुआ करती थी अब वो नहीं होगी.

और प्रकाश जी से एक सवाल ये भी है कि क्या कैबिनेट की बैठक में चीन को लेकर कुछ भी चर्चा हुई अब जहाँ तक आपके पहले भाग का संबंध है ये आपने अच्छा किया कि शायद मुझे लग रहा है छूट गया इनकी प्रेजेंटेशन में से भी इसमें बड़ी नॉमिनल सा फ़ी है चार सौ पर लंडर के क्या वो एक दिन में लेस देन टू रुपी पर डे आता है अब उसकी वो भी गवर्नमेंट देगी जिसका कर्मचारी होगा या जो जिस विभाग से आएगा एंड दैट टू इज़ अ वेरी नॉमिनल फी जस्ट टू यू नो सस्टेन दैट मैकेनिज्म और दूसरा उनका जो बजट रहेगा दस साल का और जो आपने उससे पहले पूछा कि हाँ हर स्तर का अधिकारी किसी भी सर्विसेज से हो वो इसमें इसका लाभ लेने के लिए अधिकारी होगा ओके नाइन्टी नाइन दिया लास्ट क्वेश्चन

और इसलिए वो आपको बताएंगे उचित समय पर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू फ्रेंड्स इंकुलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए